नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बताएंगे, हमारे इस धरा पर एक ऐसी चिड़िया रहती है जिसकी सुंदरता, जिसकी कारीगरी, जिसका हुनर देखकर बड़े बड़े लोग दंग रह जाते हैं। इस चिड़िया को बोलते बया। बया का घोंसला आपने अधिकतर देखा होगा, रेलवे लाइन के किनारे, खजूर के पेड़ पर, तारों पे, जैसे सांप वाली बीन नहीं होती, बीन बजाते हैं उस तरीके की, बीच में गोल, ऊपर नीचे पतली लटकी हुई सी, नीचे से घुसती है, उसे बोलते हैं बया। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक चित्र के माध्यम से बना के बया का घोंसला कैसा होता है। कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये डाल डाल पे रहता है और लटका हुआ इस टाइप का कुछ, ठीक है। इसे बोलते हैं बया का घोंसला। अब बहुत सारे हमारे अच्छे काबिल दोस्त भी जो तंत्र क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं, उनको मालूम होगा। आजकल ब्राह्मण जो है ब्राह्मणत्व से हटते चले जा रहे हैं, और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा ब्राह्मणों को, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ, सभी ब्राह्मण, लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मण जिनका पता नहीं कहाँ से DNA चेंज हो गया है, वो अपने धर्म के ही चीज़ों पे उंगली उठाते हैं, अपने लोगों को ही, अपने ही लोगों को वो टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों से निवेदन है कि एक बार DNA टेस्ट कराएं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपके खानदान में। इसलिए गली गली जुतियाए जा रहे हैं आज की डेट में, गली गली अपमानित किए जा रहे हैं कर्मों से। उन लोगों की गलती नहीं है कि गलत बोल रहे हैं, उस लायक आप लोग हो आज की डेट में। एक दो नहीं, बात करूंगा अभी, इतने लोगों की मैंने मदद की, वो बात छोड़िए, लेकिन मैना की बात बता रहा हूँ। बया, बया बया नाम है इस चिड़िया का। इसका घोंसला करोड़ों करोड़ों रुपए से समझे कि महंगा है। गलत मत समझिए कि लाओ बया का घोंसला, जहां देखा उजाड़ा और बेच दिया। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि प्रकृति को संवारना, प्रकृति की देखभाल करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाना ये प्रकृति के खिलाफ है, इससे आपका नुकसान हो। तो मैं इसका सुझाव नहीं देता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस घोंसले में, कभी कभी होता है कि घोंसला अपने आप गिर जाता, नीचे मिलता है, या चिड़िया अंडे अंडे देने के पश्चात घोंसला त्याग करके चली जाती है। ऐसा घोंसला आपको कहीं मिले तो मंगलवार वाले दिन ले आए। इस घोंसले में ना कोई मंत्र पढ़ना, ना तंत्र पढ़ना है, ना कोई जादू, ना टोना। बहुत बड़ा चमत्कार बताने जा रहा हूँ, अपनी आंखों से देखना। इस घोंसले को आप अपने घर में नीले धागे से लपेट कर, यानी ऊपर कहीं लटका देते हैं, तो दावा है, चैलेंज कर देना अपने शत्रुओं को, जो बड़ा बहुत बड़ा तंत्र मंत्र, इफली सिफली, जादू टोना वाला होगा, कि आप क्या चाहे जितना तंत्र करेगा। ये घोंसला जब तक आपके यहां टंगा है, कोई भी तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके घर में होगा ही नहीं। अगर मुस्लिम भाई हमारी वीडियो देख रहे हो तो बताइएगा, आपके भी तंत्र में, आपके भी इस्लाम में भी, तंत्र में भी इसका भी एक जगह उल्लेख है, आप खुद बताइएगा। तो बया का घोंसला जिस घर में रहता है, वहां तंत्र प्रकार का कोई जादू टोना, इफली सिफली का कोई प्रवेश नहीं होता है। अब सबसे बड़ा चमत्कार एक और बताने जा रहे हैं। अगर आपके बेटे को, आपके घर में किसी को कुछ खाया पिया लगता नहीं, लगता है इसको किसी ने कुछ खिला दिया है, जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, तो बया के घोंसले को एक बार पानी में डिप करो, वो पानी आप 5 दिन ऐसे व्यक्ति को पिलाइए जिसको रोग हो। ऐसा रोग ना डॉक्टर पकड़ पा रहा है, ना डॉक्टर, ना हकीम, ना वैद्य, ना कोई तांत्रिक मांत्रिक, या जिसको किसी ने कुछ खिला पिला रखा उसको भी आप ये पानी पिला सकते हैं। चैलेंज है, अगर पहली डोज पीने के बाद आधे घंटे के अंदर वो आपसे ना बोले कि मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ,
मैं बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, तब कहना। ये बहुत ही चमत्कारी चीज़, इसको करिए, लाभ उठाइए। चलते चलाते बता दें, जिन भाई बहनों को या आपके घर में आसपास किसी को शुगर हो तो गारंटेड शुगर की दवा हम देते हैं, चैलेंज के साथ, दावे के साथ, लिखित के साथ देते हैं। एक महीने की दवा आप लीजिए, हमारा ट्रीटमेंट कराने से पहले आप जिस दिन दवा लें उसी दिन अपना टेस्ट कराइए, फास्टिंग फूडिंग, उसको रिपोर्ट हमको भी दीजिए, दवा लीजिए। 15 दिन बाद आप रिपोर्ट पुनः कराइए, आपको पता चल जाएगा कि ये दवा नहीं वरदान है। सबसे अच्छी बात है कि इस दवा को एक महीना निरंतर लेने के बाद जो दोबारा दवा चलेगी आपकी, उसमें मिठाई खाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। भयंकर से भयंकर शुगर हो, इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसकी दवा अलग है। और दोनों दवा में, दवाओं के चलते आप मिठाई खा सकते हैं फिर भी शुगर आपकी बढ़ेगी नहीं, ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ। चूंकि ये नहीं है कि इस बबूल का ये ले आओ, जामुन की गुठली ले आओ, नीम का ये ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये अद्भुत भस्मों से, रसायनों के साथ ऐसे पेड़ के जड़ में ये दवा को रखकर गूंथा जाता है, बनाया जाता है, जिसकी तासीर और जिसका आपको रिजल्ट इतना अच्छा देगा कि आप स्वस्थ होंगे और हजारों लोगों को आप सलाह देंगे कि कहीं मत भगो, जाओ गुरु जी के पास। मैं चाह रहा हूं कि एक बार विश्वास करिए, मैं आपके लिए चाह रहा हूं कि आप विश्वास करिए, मैं आपके स्वास्थ्य के लिए कह रहा हूं आप एक बार विश्वास करिए। और ये अगर आप नहीं आ सकते तो 8726153903 पर ये दवा आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको भेज देंगे, बाय कोरियर, बाय स्पीड पोस्ट द्वारा आपको मिल जाएगी। दवा खाने का बहुत ही आसान सा तरीका रहेगा, ये दवा इतनी कड़वी भी नहीं है कि पलटी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही असरदार। आपके स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, आपके हित की बात कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी, जितना लिखा होगा भोगोगे। जय श्री राम।